देखो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। से पहला क्वेश्चन कौन सा है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने, क्या क्या फाइंड करने का, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब मिनट हैंड है जैसे घड़ी है ना, घड़ी का मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना दिया, मिनट हैंड का 10 सेंटीमीटर, और उसका हमें क्या फाइंड करने का है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है, ओमेगा फाइंड करने का है, और लीनियर वेलोसिटी मतलब वी फाइंड करने का है। अभी गिवन क्वांटिटी क्या है, तो हमें क्या दिया है, आर दिया है, आर मतलब रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 10 × 10^-2 आएगा, 100 से डिवाइड करने का ना, तो कितना आएगा 0.1 मीटर आएगा है। अभी ओमेगा का फॉर्मूला लिखा हमने, ओमेगा किसके बराबर आएगा 2π/T, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2π/T, तो 2 का वैल्यू ज़्यादा है और बाद में पाई का वैल्यू 2 × 3.14, और टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड किसका निकालने का है, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, किसका टाइम पीरियड निकालने का, मिनट हैंड, मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब कितना आएगा सेकंड में, कितना आएगा 60 × 60 सेकंड, सेकंड में कितना आएगा 60 × 60 सेकंड, तो कैसे आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का 2 × 3.14, ये कितना आता है 6.28, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 3600 है, इसको भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दीजिए जरा, इसको ऊपर रखते 6.28 और नीचे क्या आएगा, अभी 3600 तो उसको हम कैसे लिखते हैं 3.6 × 10^3 आएगा, बोले ना 3.6 × 10^3, और ये वापस 3 क्या करने का ऊपर लेके जाने का है, तो कैसे आएगा 6.28 × 3.6 × 10^2, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा वो -3, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -3, अभी सिंपल इसका लॉग निकालने का, लॉग 6.28 माइनस लॉग 3.6 है, अभी 6.28 का लॉग निकालने का है, 6.28 का लॉग मतलब क्या आएगा 62 का 8, तो लॉग किस में देखने का, लॉग टेबल में देखने का, ऐसा तो क्या आएगा लॉग टेबल में 62 का 8 आएगा, देखो 62 का 8 बोलो ना, 62 कॉलम में 8 में देखने का है 7980, कितना आता है पहला लॉग ऑफ न्यूमरेटर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0., कितना आएगा 7980, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0 आएगा, और आगे कितना आएगा 7980 माइनस 36 का कितना आएगा, पहले 3.6 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0 आएगा 0, और बाद में क्या देखने का है 36 का क्या आता है 5563 है, अभी इनको माइनस करने का, फिर माइनस आता है ना आपको, कितना आएगा 0.2417, अभी इसका क्या निकालने का, लेकिन एंटी लॉग निकालने का, इसका क्या निकालोगे एंटी लॉग आ गया, अभी लॉग निकाला था ना, लॉग निकालने के बाद क्या निकालना था हमें एंटी लॉग, तो एंटी लॉग कितना आएगा 24 का 17 देखने का, किसका देखने का है 24 का 17, 24 का 1 बोलो ना, 24 के कॉलम में 1 में देखने का है, बाद में लास्ट वाले कॉलम में 7 में देखने का है, वन सेवन फोर फाइव कितना आता है 1745, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका कैसा रहता है, पहले एक पॉइंट देने का, एक जैसे इसके बाद एक पॉइंट देने का × 10^2 कितना आएगा, ये वाला आएगा 0 है ना, अभी कभी रहेगा इधर 1 2 तो वैसा लिखने का 10^1 10^2 × 10^0 बना रहे, 0 मतलब कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, और आगे पावर कितना है बोलो जरा, 10 का पावर कितना है -3 ना, तो मैं इधर लिखता हूँ 10^-3, किसका वैल्यू आ गया ओमेगा का, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा 10^2 और 1.745 × 10^-3, अभी ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका यूनिट क्या आएगा रेडियन पर सेकंड, उसका यूनिट क्या आएगा रेडियन पर सेकंड,
आया पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला है, वी वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, क्या निकालने का इसका ही, वी वी मतलब क्या निकालने का है, लीनियर वेलोसिटी। तुम्हें मालूम है वी और क्या क्या क्वांटिटी दिया, देखो आर भी दिया और ओमेगा भी दिया, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा, समझे ना, वी किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा। आर कितना दिया है, 0.1 ना, 0.1 इंटू ये कितना है, ओमेगा कितना है, 1.745 इंटू 10^-3, बराबर ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को ही हम कैसे लिख सकते हो, 10^-1 ऐसा भी लिख सकते हो, 0.1 को ही कैसे लिख सकते हो, 10^-1 इंटू 1.745 इंटू 10^-3, तो माइनस वन और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, -4। तो फाइनली हमारा वी कितना आता है, 1.745 इंटू 10^-4। अभी वेलोसिटी है ना, मतलब क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। और आंसर होने के बाद हमेशा ऐसा ब्रैकेट करो, आएगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझेगा, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो और एक बार आप खुद से ट्राई करो। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखने का, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो प्रोपेलर ब्लेड इज इन एरोप्लेन आर 2 मीटर लॉन्ग, मतलब एरोप्लेन का जो पंखा रहता है सपोज, समझे ना, उसका ब्लेड ब्लेड कितना दिया है, 2 मीटर लॉन्ग, मतलब हम समझ के चलते हैं ऐसा एक फैन है एरोप्लेन का, वो कितना मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर लॉन्ग है, है? और बाद में क्या बोला है, व्हेन द प्रोपेलर इज रोटेटिंग एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा मतलब ऐसे गोल घूम रहा है, कितने स्पीड से, 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने बार गोल घूम रहे हो, 1800 बार, 1800, है ना। व्हेन इट इज रोटेटिंग एट 1800 RPM कंप्यूट टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब इधर का टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करने का, वी फाइंड करने का भी, ऐसा अगर गोल घूम रहा है बोलो ना, तो एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहे हो, 1800 चक्कर लगा रहे हैं, इतने स्पीड से गोल घूम रहा है, तो इधर का हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करने का, एक पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑन द ब्लेड मिडवे बिटवीन द टिप एंड एक्सिस, मतलब अभी हम वेलोसिटी किधर का निकाल रहे हैं, इधर का ना, तो अभी ये मान के चलते कि ब्लेड बीच में रहेगा, इतना ही रहेगा सब ब्लेड, बोलो ना, तो इतना ही मतलब ये कितना आएगा, 1 मीटर, तो इधर का टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना देंगे, मतलब एक बार जब आर लेंगे तो आर कितना लेने का, हमें पहले क्वेश्चन के लिए 2 मीटर और सेकंड क्वेश्चन में आर कितना लेने का, 1 मीटर, और वेलोसिटी किधर का चाहिए, ये वाला, और क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, तो उन्होंने लिखा है कि रोटेटिंग एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दिए, क्या दिया हमें, फ्रीक्वेंसी दिए, है ना। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते कैसे कैसे दिया, देखो पहला हम ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला वाला समझे ना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी एन कितना दिया है, एन कितना दिया है, 1800 पर मिनट, है ना, ठीक है, लिखा है आरपीएम, आरपीएम मतलब एक मिनट में इतना होता है, तो हमें चाहिए एक सेकंड में कितना हो जाए, तो एक सेकंड का कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, डिवाइड बाय 60 मतलब कितना आता है, 30 RPS रिवोल्यूशन पर सेकंड, एन कितना आया, 30 आया हमारा, है ना। आर कितना दिया है, 2 मीटर, आर कितना दिया है, 2 मीटर है। और फाइंड क्या करने का है, लीनियर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करने का है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन ओमेगा मतलब क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, ओमेगा का फॉर्मूला कैसे लिखने का है, v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई n, ओमेगा की जगह क्या लिखने का है, 2 पाई n, तो ये सिंपल वैल्यू डालने का, r कितना दिया है,
टू इंटू कितना आएगा, टू इंटू पाई का वैल्यू कितना आएगा 3.14 इंटू कितना आएगा 30 है। इसका मल्टीप्लाई करने का पहले ये सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 30 टू इंटू टू कितना होता है 4, 4 इंटू 30 कितना होता है 120। इधर लिखता है सर 120 इंटू कितना आएगा 3.14। तो अभी इसका स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप लॉग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इजी रहेगा। तो अब इधर ही ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले जीरो लिख दिया है ना, देखो इतना आता है आंसर। लेकिन टू डिसिमल पीछे आने का मतलब कितना आ जाएगा, कितना पीछे आने का, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 376.8 और इधर क्या आएगा मीटर पर सेकंड, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 376.8 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में हमने आर कितना मान लिया है 2 मीटर, और ये मैं आर कितना लेने का है सेकंड क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑन द ब्लेड मिडवे, मिडवे मतलब बीच वाला पॉइंट आएगा, तो मतलब उधर आर कितना हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा आर, आर इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर, और सेम एन कितना आएगा 30, तो हमें क्या फाइंड करने का वी, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा आर ओमेगा, सेम क्वेश्चन आएगा। आर कितना आएगा फिर 1 इंटू ओमेगा कितना आएगा 2 इंटू पाई ना, सेम आएगा देखो 2 पाई एन, पाई का जगह कितना आएगा 3.14 इंटू कितना आएगा 30, मतलब ये कैसे आएगा 60 इंटू 3.14, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करने का है। और दो डेसिमल पीछे आएगा ना, मतलब 188.4 मीटर है, इसका क्या आएगा 188.4 मीटर पर सेकंड, उसका यूनिट भी लिखने का है, आएगा सेकंड क्वेश्चन समझ में, समझेगा। देखो इजी क्वेश्चन है, आप पहले उसको अंडरस्टैंडिंग करो तो बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अभी आगे का थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया देखो, तो कार ऑफ मास 2000, मतलब एक कार है जिसका मास है 2000 kg, राइट। इधर हम लिख के लेते हैं क्या क्या दिया है, मास कितना दिया है 2000 kg, राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 250 meters, मतलब जो कार ऐसे टर्न ले रही है तो उसका रेडियस कितना है, आर कितना दिया है 250 meters, और जो ऐसे कार ऐसे टर्न ले रही है उसका स्पीड कितना दिया है एट 90 km/h, है ना। कितने स्पीड से दिया है जी, कितना दिया है 90 km/h, किलोमीटर पर आवर दिया, अभी किलोमीटर पर आवर हमें चलेगा क्या, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कैसे सिंपली मल्टीप्लाई करने का है देखो, 90 इंटू मीटर पर सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, ये फिर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, समझे ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करने का है मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया वी हो गया, आगे। और क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला, देखो तीन क्वेश्चन है, पहला क्या है फाइंड करने के लिए बोला है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या फाइंड करने का ओमेगा, ओमेगा का आंसर सिंपल रहेगा, मैं इधर लिखता चाहिए तो क्या फाइंड करने का, हमें ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा कैसे फाइंड करोगे, ओमेगा के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला याद रहेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और उससे ओमेगा फाइंड करने का है, तो ओमेगा के लिए क्या आएगा वी अपॉन आर, मैं इधर लिखता हूँ ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा वी अपॉन आर, अभी वी कितना दिया है वेलोसिटी कितना आया 25 है ना, आर कितना दिया है 250, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 1/10 है ना, तो
वन अपॉन टेन मतलब कितना आएगा 0.1 और ओमेगा है ना मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या आएगा रेडियन पर सेकंड, क्या आएगा इसका आंसर 0.1 रेडियन पर सेकंड है पहला। उसके बाद क्या बोला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मेरे पास तीन फॉर्मूला है, तीनों भी फॉर्मूला लिखते हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, मैं इधर लिखता हूँ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, समझे ना एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, एक पहला है वी स्क्वायर अपॉन आर, पहला फॉर्मूला कौन सा आएगा। आप कोई भी तीनों का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर पिछला क्या है आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है वी ओमेगा, बोले ये दोनों भी क्वांटिटी दिया है अपनी बात, तो मैं सिंपल फॉर्मूला ये वाला यूज करता हूँ वी इंटू ओमेगा, क्योंकि वी भी है हमारे पास और ओमेगा भी है, तो कितना आएगा इसका आंसर वी ओमेगा ना, तो वी कितना दिया है 25 और ओमेगा कितना दिया है 0.1, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 2.5 कितना आएगा 2.5, और एक्सेलरेशन है ना तो उसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आ गया एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और लास्ट वाला सी कौन सा पूछा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या आएगा, फोर्स मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ना, फोर्स मतलब क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से फोर्स कौन सा चाहिए सेंट्रीपिटल, फोर्स कौन सा चाहिए सेंट्रीपिटल, तो एक्सेलरेशन भी कौन सा लेने का है सेंट्रीपिटल ना, तो क्या आएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमारे पास है इधर, और मास कितना दिया है 2000, तो कैसा आएगा 2000 × 2.5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 5000 न्यूटन, फोर्स सेंट्रीपिटल कितना आएगा 5000 न्यूटन आएगा, आएगा देखो इजी क्वेश्चन है, तीनों भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली है। सभी आगे का फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहने का एक बकेट कंटेनिंग वाटर, मतलब बकेट मतलब एक बाल्टी है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब ऐसा उल्टा घुमा रहे हैं उसको, समझे ना, सिंपल देखो सपोज ये बाल्टी जैसा है इसको ऐसे उल्टा घुमा रहे, उल्टा घुमा रहे मतलब ऐसे वर्टिकली ऐसा ऊपर से घुमा रहे, लेकिन हमारी कंडीशन क्या दिखाने का है कि जब ऐसे ऊपर से घुमाएंगे पानी नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब इतना ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऊपर से इसे गोल घुमाने वाले हैं बादली वाला ना, लेकिन पानी ऐसा ऊपर जाके खड़ा रहना चाहिए नीचे नहीं आना चाहिए, समझेगा। फाइंड द मिनिमम स्पीड एट द टॉप, मतलब जो ऐसे उल्टा करेंगे ये वाला जो स्पीड रहेगा उसका स्पीड कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी नीचे नहीं आना चाहिए, सो दैट नो वाटर विल स्पिल्स है। बाद में क्या लिखा आर कितना दिया है 0.75, और जो वेलोसिटी निकालेंगे उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर स्पीड भी निकालेंगे, मतलब लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, समझे तो ना, ऐसे कौन सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और अभी मालूम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप वाली पोजिशन में वेलोसिटी क्या रहता है, हमें क्या क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए और ओमेगा, तो मालूम है हमारे वर्टिकल पोजिशन में ऊपर का वेलोसिटी कितना होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना है, कम से कम v इज इक्वल टू रूट आर जी, आर इंटू जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा आर कितना दिया है देखो 0.75 × 9.8, अभी इधर लॉग निकाल दिया है ना, इसमें लॉग कैसे निकालोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का है, मतलब ये दोनों को लॉग को ऐड करो और उसके बाद उसका क्या निकालने का स्क्वायर, तो सिंपलीफाइड ये दोनों को लॉग निकाल दे, तो दोनों को लॉग ऐड करेंगे, कैसे आएगा लॉग को ऐड करने का, मैं इधर इसके नीचे लिखता हूँ 0.75, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बार वन आएगा,
प्लस है ना 9.8 है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी लॉग टेबल में देखते हैं, पहला किसका लॉग देखने का 75 का, 75 का कितना आता है 8751, 8751 और 98 मतलब कितना आएगा 9912। इनको सिंपली ऐड कर देगा, स्टूडेंट कभी कभी मन में डाउट आता है कि ये प्लस करने का कि माइनस करने का, क्योंकि इसका साइन कौन सा है, बार वन है ना, बार वन मतलब सिर्फ इसका साइन बार माइनस वन है ना, लेकिन हम एक्सेप्ट क्या करने वाले, इधर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों लॉग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। अब इधर सवाल आता है, अब इधर कितना है वन और इधर कितना है माइनस वन, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, इधर स्क्वायर रूट में कितना आएगा, सॉरी पहले इसका एंटी लॉग निकालने का, है ना, इनका ये क्या आ गया, लॉग आ गया। अभी लॉग निकालने के बाद क्या निकालना रहता है, उसका एंटी लॉग, इसका क्या निकालोगे, एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका आएगा 86 का 63, पॉइंट 86 का क्या देखने का 63, ऐसा आएगा। और अभी हमें क्या निकालने का, ये वैल्यू किसका आ गया, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, तो अभी वी किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ 7.350 है ना। अभी स्क्वायर रूट के कॉलम में आएगा, देखो इसमें स्क्वायर रूट का एक कॉलम रहेगा ना, लास्ट में रहेगा, देखो कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या देखने का 7.3 देखने का है और उसका 50, 7.3 और उसका क्या आएगा 5 है ना, मतलब 2.711 कितना आता है बी, 2.711 क्या आएगा मीटर पर सेकंड, आगे मेरा से इतना 2.711 मीटर पर सेकंड है, और भी तो मिल गया और आर भी दिया है, तो अभी क्या फाइंड करने का उसका ओमेगा, क्या फाइंड करने का ओमेगा, ओमेगा के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और हमें ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, वी अपॉन आर, वी कितना दिया है 2.711 अपॉन आर कितना दिया है 0.75,